Good morning students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we will start our new chapter 7. Chapter 7, Measurement Length. M-E-A-S-U-R-E Measurement. M-E-N-T Ment. M-E-A-S-U-R-E-M-E-N-T Ment. Measurement Length. L-E-N-G-T-H. Measurement Length. Length means क्या होती है? लंबाई. ठीक है? तो बेटा इसमें आज हम करेंगे मेजरमेंट. जो मेजरमेंट लेंथ का मीन्स क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई ये होती है उसे मेजरमेंट लेंथ कहते हैं. हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, नाप लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होता है मेजरमेंट. जैसे स्केल, ठीक है, हम पेंसिल लेंगे क्लास में, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेंसिल लेंगे, उस पेंसिल का मेजरमेंट करेंगे हम स्केल से. ठीक है, स्केल से हम उसका मेजरमेंट लेंगे कि ये कितनी सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसमें बेटा आज हम करेंगे टेक द लॉन्गर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. टेक द लॉन्गर, टी आई सी के, टेक द लॉन्गर. This is sign of take the longer, L-O-N-G-E-R, longer, in the following, F-O-L-L-O-W-I-N-G, following pictures, P-I-C-T-U-R-E-S, pictures. Take the longer in the following picture, means ki jo picture longer, longer means लंबी, लॉन्गर में जो लंबी है उस पर हमें राइट का टिक करना है. आइसक्रीम है, ये बैट है. अब इन दोनों में से जो थिंग, जो पिक्चर लॉन्ग है उस पर हमें राइट का टिक बनाना है. तो आइसक्रीम तो नहीं है लॉन्ग, है ना, दिस इज लॉन्गर पिक्चर, सो वी विल टिक ऑन द बैट. नाउ बी, विच पिक्चर इज लॉन्गर, इन दोनों पिक्चर में से कौन सी पिक्चर लॉन्गर है? दिस पिक्चर इज लॉन्गर, सो वी विल टिक ऑन दिस पिक्चर. हम राइट का टिक लगाएंगे जो पिक्चर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबी, लॉन्गर है उस पर हम राइट का टिक लगाएंगे. नाउ सी इज longer, this and this. This one is longer and this one is longer. This picture is longer, so we will pick on this picture.
which picture is longer, this and this. This picture is longer, so we will take on this picture. Which picture is longer? This picture is longer, so we will take on this picture. Okay, so this is the concept of longer, है ना? इसमें जो picture लंबी है उस पर हमने right का tick लगाया है. Now next is Take the shorter in the following picture. मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, फिर जो नेक्स्ट है वो आप सेल्फ करिए. Take the shorter. T-I-C-K, take on shorter. S-H-O-R-T-E-R. Shorter means छोटा. Take on shorter. कौन शॉर्टर? अब इन दोनों में से कौन सी पिक्चर शॉर्टर है? कौन सी शॉर्ट है? दिस पिक्चर इज शॉर्टर, सो वी विल टेक ऑन दिस पिक्चर. अब इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें शॉर्टर पर टिक करना है, जो छोटा है उस पर हमें टिक करना है. नाउ नेक्स्ट इज बी. Now, in both pictures, which picture is shorter? In दोनों पिक्चर में से कौन सी पिक्चर शॉर्ट है? This picture is shorter, so we will tick on this picture. हम इस वाले पिक्चर पर शॉर्ट राइट का टिक लगाएंगे. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टर. नाउ नेक्स्ट इज इसमें करेंगे टिक द बिगर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. बिगर मीन्स बड़ा, जो सबसे बड़ा है, बिगर मीन्स बड़ा, उस पर हमें राइट टिक करना है. तो इसमें जो बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट इज बिगर एंड फ्रॉग इज शॉर्टर, है ना? तो बिग, जो बिग है उस पर हमें राइट टिक करना है. ये आप करेंगे एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट इज राइट एल फॉर द लॉन्गेस्ट एंड एस फॉर द शॉर्टेस्ट. जो लॉन्गेस्ट है उसके लिए तो हमें एल लिखना है, और जो शॉर्टेस्ट है उसके लिए हमें एस लिखना है. तो इस दिस आपको ये दिखाई दे रहा है, अजगर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है? दिस इज लॉन्गेस्ट, तो टिक ऑन. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? एल. ठीक है, स्नेक है, यहाँ भी आप एल लिखेंगे, और जो ये सेल है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एस, शॉर्टर. दिस रोज, ये सबसे बड़ा है तो लॉन्गेस्ट एल, और जो सबसे छोटा है उस पर आप एस लिखेंगे. ठीक है, इनमें भी यहाँ आप एल लिखेंगे, और ये सबसे छोटा है तो यहाँ आप एस लिखेंगे. यहाँ बीच में आपको कुछ नहीं लिखना. ठीक है, जो ये वाला है यहाँ पर आप लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट तो एल लिखेंगे. दिस इज शॉर्टेस्ट, सो राइट एस. दिस पिक्चर इज लॉन्गेस्ट, सो राइट एल. एंड दिस पिक्चर इज shortest, so write here S. This pencil is longest, so write here L. And this pencil is shortest, so write here S. Okay? So children, please do pages. आपको ये pages करने हैं 86, 87, 88 and 89. Do page number. पेज नंबर 86, 87, 86,
87, 88 and 89, ठीक है। आपको पेजेस 86, 87, 88 and 89, डू दीज पेजेस इन योर मैथ्स बुक। आपको ये पेजेस अपनी बुक में ही करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज डू योर वर्क नीट एंड क्लीन प्रॉपरली। थैंक यू।